हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडा एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी A51 के बारे में। यहां पर आप सभी को मालूम होगा कि सैमसंग का गैलेक्सी A51 एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन है। एंड यहाँ पर सैमसंग प्लान किया है One UI 2.5 प्रोवाइड कराने का One UI 3 से पहले। आपको मालूम होगा कि One UI 2 और Android 10 पर ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, एंड सैमसंग ने इसको 1 major UI अपडेट दे दिया, हालांकि वो मेजर OS में काउंट नहीं होता है। तो ये भी अच्छी बात है कि हमें मेजर UI सेकंड अपडेट देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स इसको One UI 2 पर रिलीज किया गया था और One UI 2.1 हमें इसके अंदर मिलता है लेटेस्टली, जो कि अभी चल रहा है फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पर अब हमें One UI 2.5 सैमसंग के गैलेक्सी A51 के अंदर देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी FOTA के थ्रू। हालांकि कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि अंडर टेस्टिंग जा चुका है और सैमसंग जो है इस महीने के लास्ट से पहले पहले ही सैमसंग A51 के लिए One UI 2.5 को जो अपडेट है वो रिलीज़ कर देगा। एंड यहाँ पर One UI 3 से पहले One UI 2.5 के जो कुछ फीचर्स हैं, लाइक जो भी हमें नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं या कुछ UI चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि लेटेस्ट फीचर और लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर होता है वो कमाल का होना चाहिए जो भी हमारा डिवाइस हो। एंड सैमसंग इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करते हुए अपने A51 को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है सैमसंग के A51 के यूज़र्स के लिए। एंड मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसको ये मेजर UI अपडेट मिलेगा, ना कि मेजर OS अपडेट। तो मेजर OS अपग्रेड यहाँ पर सैमसंग ने 3 का वादा किया है, एंड अभी तक इसको एक भी मेजर OS अपडेट नहीं मिला है। दैट मींस इसको फर्स्ट मेजर OS अपडेट एंड्रॉयड 11 मिलेगा, सेकंड एंड्रॉयड 12 और थर्ड एंड्रॉयड 13 मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ पर जो हमें मेजर UI अपडेट मिल रहा है, लाइक One UI 2.1 मिल चुका ऑलरेडी, One UI 2.5 मिल जाएगा अब, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा 2 major OS अपडेट इसको मिल गए और 1 major OS अपडेट इसका लास्ट होने वाला है। वो मेजर UI अपडेट है, ना कि मेजर OS। OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, UI मतलब यूजर इंटरफेस होता है, तो इसको यूजर इंटरफेस अपडेट किया जा रहा है, ना कि कंप्लीट जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 ही रहेगा, क्योंकि One UI 2.5 एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है, ना कि एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। अगर एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड होता तो फिर इसको 1 major OS अपडेट मिल जाता और इसका 1 major OS अपडेट खत्म हो जाता, इसको 2 major OS अपडेट मिलते बाद में। वेल, आप ये समझ लीजिए इसको 3 major OS अपडेट मिलने हैं One UI 2.5 मिलने के बाद भी। ओके, एंड यही था फिलहाल की इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।